एक बार फिर बिहार के भागलपुर जिले को कृषि के क्षेत्र में एक नई सफलता मिली है। आपको बता दें, बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबौर से जुड़े किसानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश के अलग अलग जिलों से आए किसानों को सम्मानित किया। इस पुरस्कार समारोह में 6 FPO ग्रुप के फार्मर तथा 19 व्यक्तिगत किसानों को सम्मानित किया गया। इसमें बिहार से 2 ग्रुप लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह तो वहीं भागलपुरी कतरनी धान किसान संघ को सम्मानित किया गया है। किसानों के ग्रुप फार्मर्स को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत किसानों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार और सर्टिफिकेट दिया गया है। BAU से जुड़े किसानों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है, सर क्या कारण है, कौन सा सम्मान है? ऐसा है कि एक प्राधिकरण है जिसे हम बोलते हैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, ये भारत सरकार की संस्था है और इसका काम ये है कि ऐसी प्रभेद ऐसे बीज जो बहुत पुराने होते हैं और इनको इनका अलग एक महत्व होता है, इनको हम कई पीढ़ियों से लोग संरक्षित करते हुए चले आते हैं, इन बीजों को हम लोग इस प्राधिकरण को भेजते हैं और प्राधिकरण पे ये देखते हैं कि ये बिल्कुल स्थानीय प्रभेद है जो उस क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो इस तरह के हम लोगों ने कई प्रभेदों को भेजा था और उस कड़ी में हमारे 4 किसान, एक हमारे रोहतास ज़िले के हैं दिलीप कुमार जी, इनके पास बैंगन टमाटर करेला और धनिया के इस तरह के बीज थे जो बहुत ही पुराने थे और जो बिल्कुल यूनिक हैं, और इसी तरह हमारे मुंगेर में एक सत्यदेव जी हैं, इनके पास चना और तीसी का, चना का आप देख रहे होंगे मुंगेर का जो चना की दाल पहले होती थी उसकी एक अलग महक होती थी, उसके इनके पास बीज थे, इन्होंने इसके लिए भेजा था और इनके फिर हम लोगों ने फॉर्म भेजे थे। इसी तरह अर्जुन सिंह जी एक हमारे रोहतास के किसान हैं, इन्होंने चावल हल्दी लौकी के बीज हम लोगों ने भेजे थे, और एक हमारे किसान हैं जमुई के अर्जुन मंडल जी, इनके पास औषधि पौधों के कुछ ऐसे कलेक्शन हैं जो रेयर कलेक्शन थे और वहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे दो, आपने देखा होगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने 5 फसलों में GI लिया है और उस कड़ी में भी इस प्राधिकरण ऐसे समुदायों को जीनोम सेवियर अवार्ड देता है, उसी कड़ी में हम लोगों ने कतरनी धान का जो हमारा भागलपुर कतरनी ग्रोवर एसोसिएशन है उसने इसके लिए अप्लाई किया था, और इसी तरह हमारा बिहार में शाही लीची का एक ग्रोवर एसोसिएशन है उन्होंने भी अप्लाई किया था, और ये सारे आवेदन पत्र हमारे कुलपति डॉक्टर DR सिंह साहब के निर्देशन में विश्वविद्यालय की मदद से इन किसानों के अप्लाई किए थे, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पहली बार बिहार को इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसमें कुल लगभग देश विदेश से आए 500 प्रतिनिधि एवं किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने भी शामिल होकर सम्मानित किसानों को शुभकामनाएं दी और उनका मान बढ़ाया। उन्होंने सम्मानित किसानों को कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा उनके साथ है, उनके प्रयासों के साथ है। उन्होंने सम्मानित हुए किसानों को कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा उनके अधिकारों और सम्मान को आगे बढ़ाता रहेगा। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।